यह है, ये मैंने एक छोटी सी लकड़ी इस पे लेके, एक लंबी सी लकड़ी ली उस पे। ये तो इजीली आ गया। स्टैंड पे बैठता है या नहीं बैठता? बैठो भाई अपने स्टैंड पे, बैठ जा। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शहज़ाद चौधरी, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज के जो ब्लॉग में है, मैं अपने तोते का एक स्टैंड बनाऊंगा। काफ़ी दिन हो गए हैं उसको खोला नहीं है, तो उसको खोलने में फिर होता है कि कहीं बाहर रखें, इधर उधर रखें, तो फिर वो क्या करता है, चीज़ें ख़राब कर देता है। टेबल जैसे हो गया, टेबल की PVC ख़राब हो गई, चीज़ें मतलब काटता है तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ट्रॉली हो गई, कोई भी चीज़ हो, सोफे वगैरह। तो मैंने सोचा इसके लिए अब मुझे के काम करता हूँ कि स्टैंड बनाता हूँ। तो स्टैंड में बनाने के लिए भी मैंने लकड़ियाँ लेके आया, मैंने उस पर केले वगैरह लगा दिए हैं। अब उसके लिए जो प्रॉपर काम करना है वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये इसका बेस होगी, जो ये मैंने, मेरे पास जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी मैंने उसमें से निकाला है, ठीक है। ये इसकी बेस हो गई। बाहरी है कि अगर ये जब पड़ी होगी तो गिरेगी नहीं कभी भी, राइट। अच्छा, सेकंड थिंग ये है, ये मैंने एक छोटी सी लकड़ी इस पे लेके, एक लंबी सी लकड़ी ली, उस पे मैंने ये कीलें ठोक दी हैं। तो ये हो गया पक्का, और ये कहीं नहीं जाएगा। ये भी शीशा में, ये भी शीशा में, ये भी शीशा में, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से देखेंगे इसका सीधा साइड कौन सा है। तो ये है, हम इसको ज्यों इस पे स्क्रू से टिका देंगे, या तो यहाँ से लगा देंगे, मर्ज़ी आपकी, कहीं से भी लगा दो। अलाइनमेंट चेक करनी है कि भाई अलाइनमेंट कहाँ पे सही है, तो ठीक है अलाइनमेंट देखता हूँ। उसके अलावा इस पर मैं फिर या तो कीलें ठोक देता हूँ, कीलें स्क्रू वगैरह थोड़ी वगैरह रेल सब रखी हुई है, या तो ये लगा दूँगा या तो स्क्रू लगा दूँगा। वैसे अगर स्क्रू लगा दिया जाए तो स्क्रू से ये होता है कि लकड़ी आपकी फटेगी नहीं, खूबसूरती रहेगी। कीलों में लकड़ी फटने का चांस होता है, शीशम की है ना लकड़ी, वेस्ट कीलें जाएंगे नहीं, टेढ़ी हो जाती हैं और शोर अलग होता है। तोते साहब देख रहे हैं, तोते साहब देख रहे हैं कि इनका स्टैंड तैयार हो रहा है। मिठू, हेलो हेलो। ये काफ़ी देर से मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। तो ये मुझे हेलो, ये देखिए, अभी इसका स्टैंड बना के इसको खोल के इसके ऊपर बैठाऊंगा फिर। तो अभी इसको यहाँ दो होल करता हूँ और दो होल यहाँ करेंगे, और उसके बाद इसको फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ। Thank you.
तो भाई ये दो स्क्रूज पे हम लगा दिए, फिर भी थोड़ी लकड़ी फट गई। लकड़ी बहुत हार्ड होती है, प्योर लकड़ी है ये शीशम की, ये सालों साल चलती है, इसकी लाइफ बहुत होती है ना। तो ये मैं लकड़ी लेके आया था इसके लिए। ये इसका फ्रेम हो गया, दो मैंने सुराख करके दो स्क्रू लगा दिए। बड़े स्क्रू लगा रहा था बट वो सुराख नहीं हो रहा, आगे मज़ीद लकड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने 1.5 इंच के ये सॉरी 2-2 इंच के स्क्रू लगाए हैं, एक ये और एक ये, और इसकी बेस भी पक्की हो गई अब। देखें कहीं नहीं जा रहा। अब इसको यहाँ से रेक माल के ज़रिए ये सारा ये करवा के ना, इसकी नोके कटवा के यहाँ से भी चारों तरफ से। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ना इसको पॉलिश भी करवा देंगे। अभी एक चैन का जुगाड़ करता हूँ कुछ, किसकी खूबसूरती लगे। ये स्टैंड तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करता हूँ थोड़ी सी चैन के थ्रू के, तो अगर यहाँ से हम इसको छोड़े हैं वो डायरेक्ट जिसके पर नहीं होंगे वो यहाँ थोड़ी बैठेगा, वो यहाँ से चल के जाएगा ना, राइट। तो इसके लिए मेरे पास एक पुरानी चैन पड़ी हुई थी, ठीक है, इसी को कुछ जुगाड़ करता हूँ। पसीना काफ़ी आ गया तो तैयार कर लिया मैंने स्टैंड अपना, तो अब आपको दिखाता हूँ उसका ओवरव्यू। तोते को हम यहाँ छोड़ेंगे, ये खुद ही यहाँ से करता रहता है स्क्रॉल करता है, यहाँ पहुँच जाएगा। तैयार हो गया भाई आपका, ये जो मैंने बनाया है ये यहाँ पे स्क्रू वगैरह है, यहाँ से ये होके इसका खुल जाएगा तो ये ढीला हो जाएगा, फिर हम इसको टाइट कर देंगे। अब इसको पॉलिश अप करेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। अब आप इसको घर पे कहीं भी रख सकते हैं, इसकी बेस इतनी स्ट्रांग है और तोता इसमें बैठ जाएगा। तो अजान हो रही है, ये मैंने तैयार कर लिया तोते का, इस पर बिठा के भी दिखाता हूँ। अब इसको खोलता हूँ तो अजान के बाद वेट आपको दिखाता हूँ। तोते को मैंने खोल दिया, अभी खुद ही बाहर आता है, इसके पिंजरे में आ डाल के इसको निकालो, कभी भी बाहर आता नहीं आता, तो अभी खुद ही बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो उसको मैं अपने हाथ पे बैठा के लेके आता हूँ। अच्छा भाई तोता आ गया बाहर, खुश हो गया। अब इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस देखते हैं इधर कि इसको कैसा लगता है। यहाँ पे छोटा भाई है, उसको काट रहा है, अभी देखते हैं इसको। आ जाओ, ये तो इजीली आ गया भाई। अब इसको हम लेके चलते हैं इसके स्टैंड के पास, देखते हैं स्टैंड पे बैठता है या नहीं बैठता। बैठो भाई अपने स्टैंड पे, डर रहा है, कुछ एक्सपीरियंस है। आओ स्टैंड पे भी हल्का से बैठा है, डर रहा है। असल में ये फर्स्ट टाइम पर नहीं बैठ रहा या क्या है, हमने तो उसको पिंजरे में रखा, हाथ पे ट्रेन किया, तो अभी इस पर जब बैठेगा थोड़ा टाइम तो लेगा। आ जाओ बच्चे बच्चे बच्चे, आ जा, अरे आ जा आ जा। स्टैंड से डर रहा है भाई, चलो बैठो बैठ जा, डर रहा है भाई। थोड़े से इसके पर भी ख़राब हो गए हैं, काटने वाले हुए में। इससे पहले जो उसका स्टैंड था वो लोहे का भी पिंजरा था, तो बड़ा उसमें स्टैंड था ना, तो इस वजह से ये उस पर क्या कहते हैं उस पर ट्रेन है। ये नया लकड़ी का फर्स्ट टाइम स्टैंड पे बैठ रहा है, इसलिए थोड़ा डर रहा है। तो
भाई क्यों डर रहे हो मेरे भाई, इस पे बैठो ज़रा, थोड़ा इसको हम थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे तो ये खुद ही ट्रेन हो जाएगा। तो भाई मैंने छोड़ दिया इसको यहाँ पे, देखते हैं अब ये खुद ही इस पे जाएगा बैठेगा या नहीं बैठता, तो थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं और ब्लड सी पर देखते हैं। ये छोड़ दिया इसको हमने, असल में अभी 2-3 दिन इसको देखेगा, इसको रोज़ यहाँ खुलना पड़ेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज़ टू हो जाएगा, उसके बाद फिर ये इस पर बैठना स्टार्ट कर देगा। इसका पाँव फंस गया, देखता हूँ। अच्छा अब इसमें एक ट्राई करते हैं कि चैन खोल के इसको फिर बैठाने की कोशिश करते हैं, शायद फिर बैठ जाए। ठीक है, ये चैन उतार ली, अब देखते हैं ये बैठता है नहीं बैठता। आ जाओ तोते, आ जा आ जा, अब गुस्से में आ गए थोड़ा, आओ आ जा, ये आ गया। नहीं भाई स्टैंड तो बैठ ही नहीं रहा। अच्छा भाई वैसे तो ये बहुत खुश है, यहाँ खेल रहा है, चल रहा है पूरे घर पे, ठीक है, तो स्टैंड पे नहीं सिर्फ बैठ रहा। तो अब 2-3 दिन लगेंगे क्योंकि नई चीज़ है, नया चीज़ बनाई है, वो देख रहा है क्या चीज़ है ये लकड़ी की, ठीक है। तो जब हम ये बैठेगा मैं वीडियो इसकी अपडेट करता रहूँगा। तो इस व्लॉग को हम यहाँ करते हैं एंड, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, ये स्टैंड मेरा पसंद आया, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।